भारी बारिश ने उत्तर पश्चिम भारत में तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बीते 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने, घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 11 मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। इसके अलावा यूपी में 8, उत्तराखंड में 6, दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में 2-2 की जान गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और मौसम विभाग के चेतावनियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को एमसीडी सरकार व निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 2 दिनों से हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को 1 दिन के लिए बंद किया गया है। सोमवार को मौसम के हालात को देखते हुए स्कूल खोलने के संबंधित निर्णय लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में 696 बूथों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद राज्य चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया था। चुनाव आयोग को वोटिंग के दिन बूथों पर मत पेटियों को नुकसान पहुंचाने, पीठासीन अधिकारियों पर हमले और फर्जी मतदान की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद SPC ने मतदान को रद्द कर दिया था। राजधानी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश की संविधानिकता पर चुनौती देने वाली आप सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ सुनवाई कर सकती है। 19 मई को केंद्र ने दिल्ली में ग्रुप ए अफसरों के स्थानांतरण व पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 पास किया था। दिनों महाराष्ट्र में राजनीति जोरों पर है। जो कभी शरद पवार के करीबी थे वो अचानक टूटकर अजीत पवार के साथ हो गए और शिंदे गुट के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद बागी विधायकों पर खूब निशाना साधा जा रहा है। शरद पवार ने शनिवार को नासिक में रैली कर बागी विधायकों पर खूब निशाना साधा, जिसके बाद अब शरद पवार के करीबी रहे महाराष्ट्र के नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने रविवार को कहा कि NCP में विद्रोह उनके परिवार में हुआ था, न कि उनकी वजह से। पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सेना के ड्रोन हमले में ISIS का एक आतंकवादी मारा गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार को बताया कि उसने 7 जुलाई को ड्रोन हमला किया था। बयान में कहा गया हमले में MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। उसी दिन रूसी विमानों ने इस ड्रोन का पीछा किया था। बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया में हमला किया, जिसमें पूर्वी सीरिया में ISIS का नेता उसामा अल मुजाहिर मारा गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण स्थगित अमरनाथ यात्रा 3rd दिन रविवार को पहलगाम व बालटाल दोनों रूट से बहाल कर दी गई। मौसम में सुधार होने के बाद प्रशासन ने यह फैसला किया कि 2 दिन बाद यात्रा शुरू होने से दोनों ट्रैक पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दोनों रूट से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी बहाल कर दी गई। हालांकि जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा के लिए सोमवार को गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गुजरात में राज्यसभा के लिए 3 सीटों के लिए इसी माह के अंत में चुनाव होना है। बाकी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर भाजपा संसदीय बोर्ड ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। गुजरात भाजपा के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि जयशंकर, जिनका कार्यकाल गुजरात के 2 अन्य राज्यसभा सदस्यों के साथ 18 अगस्त को समाप्त हो रहा, सोमवार को दोपहर के आसपास उनका नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर दी। वो रविवार को कुआलालंपुर पहुंचे। यहां वो रक्षा और संबंधों को मजबूत करेंगे, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह इस यात्रा के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री YB दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने ट्वीट पर लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचे। राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पाकिस्तान के नियोजन मंत्री अहसान इकबाल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि चीन ने उन्हें 2018 के आम चुनाव में किसी प्रकार के नए प्रयोगों को लेकर पाकिस्तान सेना को चेताया था। उन्होंने पूर्ववर्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीत सरकार की तरफ से $60 अरब वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए जमकर आलोचना भी की। VideoDays.com अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।